ये बस है हमारी, इसमें जाना है। ये यहाँ का शटल बस स्टेशन है, पड़ेगा वहाँ कोविड टेस्ट होगा हमारा उस तरफ ऊपर। क्या हो गया तुम लोग को? अरे मत रो यार, चुहाई बस स्टेशन में पहुँच गया हूँ, 45 मिनट ही लगे हैं। मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ऑल, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हमारा यहाँ हांगकांग में पांचवा दिन है और अभी जस्ट हम चेकआउट करने जा रहे हैं। 3 बजे हमारी बस है तो हमें चेकआउट करना पड़ रहा है अभी। क्या हो गया तुम लोग को? अरे मत रो यार, सो गोइंग टू चेकआउट। लिफ्ट काफ़ी फास्ट है इनकी। रो रहे हो ना तुम लोग? अच्छा खा, अरे बहुत बहुत क्या हो गया? ये बच्चे बेचारे, इनको छोड़ के जाना पड़ रहा है। कल इनकी फ्लाइट, आज हमारी बस है और ये काफी सैड है। होटल स्टाफ आर वेरी पोलाइट। थैंक यू। ओके बाय, थैंक यू। सो ये अपनी टैक्सी। वेट लग रहा है काफी, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या कहना चाह रहे हो? चलो मिलते हैं फिर अंग्याग में। ठीक है, ठीक अंग्याग में मिलेंगे। हाँ कहाँ मिलोगे? अरे वही अंग्याग में ही तो है ना। अच्छी कुछ कहना चाह रहे हो? थोड़ा रोए मन बट क्या कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं, चलो अच्छी बात है। ओके ओके, मिलते हैं फिर जल्दी। ओके लास्ट मुलाकात आज की, फिर मिलेंगे जल्दी जल्दी, 14-15 दिन बाद। ओके ओके, बाय 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 बाय। बस में फूड मिलेगा। ओके पे ये फेयर दिखाता रहता है। आप लोग से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो कुछ डालूं आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मेहनत लगती है बनाने में, कंटेंट आप लोग के लिए बनाता हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और आगे भी आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ एजुकेशन रिलेटेड और लाइफस्टाइल ट्रैवल सब तरह की वीडियोस आपको मिलेंगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम। वो जो एरिया है वो एयरपोर्ट एरिया है और एयरपोर्ट के जस्ट पास ही शटल बस स्टेशन है। उधर जो लोग दिख रहे हैं आपको वो सब उधर कोविड टेस्ट चल रहा है। तो ये यहाँ का शटल बस स्टेशन है और अराइविंग हॉल में यहाँ पे आपको वेटिंग लाउंज वगैरह मिल जाएगा। बाकी हमें फिर ऊपर ही जाना है, वहाँ से लिफ्ट लेके वहाँ से ऊपर जाके हमारी एंट्री वहाँ से होगी। वहाँ कोविड टेस्ट वगैरह चल रहा है, एंट्री वहाँ से हमें करनी है। तो अभी राइट नाउ मैं शटल बस के
स्टेशन पे हूँ। ये अंदर का व्यू है, इसके ऊपर फ्लोर है और वहाँ से हमें बाहर निकल के वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ कोविड टेस्ट होगा हमारा उस तरफ ऊपर, फिर वहाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा, रिजल्ट जैसे आएगा फिर जाऊँगा बस पकड़ने। और मेरी 3 बजे बस है तो मुझे 2 घंटे पहले कोविड टेस्ट अपना कराना है PCR। वेटिंग लाउंज वगैरह है यहाँ पे, कैंटीन वगैरह है, खाने पीने की चीज़ें हैं और भीड़ भाड़ बहुत कम है कोविड की वजह से। तो बस का टिकट मैंने एजेंट से लिया हुआ था तो मुझे थोड़ा महंगा पड़ा था, खुद ट्राई कर सकते हो लेकिन इतना ईजी नहीं होता है टिकट मिलना, तो आपको एजेंट के थ्रू ही लेना पड़ेगा। अब वो आपका लक होगा, आपको सस्ता मिल जाए महंगा मिल जाए। तो जिस दिन आपकी बस होगी उस दिन आपको 2 घंटे पहले आपको कोविड टेस्ट कराने के लिए पहुंचना पड़ेगा। लाइक मेरा 3 बजे मेरी बस है तो मेरा 12:51 पे मेरा कोविड टेस्ट होगा और उसके बाद फिर रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट जैसे आता है तो वो आगे फिर मुझे अंदर जाने देंगे। और जो लगेज का है वो लगेज आप पर पर्सन आप 20 kg ही लेके जा सकते हैं लगेज, अगर आपको एक्स्ट्रा ले जाना होगा तो उसके लिए आपको लाइक 58 yuan जो टिकट की ओरिजिनल प्राइस है 58 yuan आपको और पे करने पड़ेंगे, ठीक। तो और रही बात जो आपको जो फॉर्म वगैरह जो फिल करना है, जो हेल्थ डिक्लेरेशन करना है, वो आपको लिंक भेज देंगे वो आपको, ठीक है। उसके थ्रू आप जाके अपना जो बेसिक डिटेल्स वहाँ पर फिल करके आप कस्टम क्लियर अपना करवा लोगे और हेल्थ डिक्लेरेशन करवा लोगे, ठीक है। वो आपको अर्ली मॉर्निंग ही करनी पड़ेगी जिस दिन आप जा रहे हो, तो वो 24 घंटे के लिए होता है वो चीज़, ठीक। तो आप जिस दिन जा रहे हो उससे आप 6-7 घंटे 8 घंटे या 10 घंटे की डिफरेंस आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और बाकी अभी जो टाइमिंग हो रहा है मेरा 30 मिनट और बचा हुआ है तो उसके बाद मैं जाऊँगा वो वहाँ ऊपर उस तरफ कोविड वगैरह का टेस्ट चल रहा है तो मैं लिफ्ट से ऊपर जाऊँगा और टेस्ट करा के फिर वहीं से सीधे ये पास बना यहाँ से एंट्री होगी। रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ और 1 घंटे बाद मेरा रिजल्ट आएगा, सो फिर मैं आगे बस के लिए जा सकता हूँ। यहाँ पे नेजल जो स्वैब लेते हैं ये लोग तो थोड़ा सा डीपली इंसर्ट करते हैं, अभी तक जितना भी हुआ था वो सुपरफिशियली ऊपर से हो गया था, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इंसर्ट करते हैं स्वैब लेने के लिए। सो इट वॉज़ रियली पेनफुल बट करना ही है क्योंकि चाइना जाना ही आफ्टर ऑल। सो वेटिंग फॉर माई PCR रिजल्ट, होपफुली निगेटिव ही आए और मैं चाइना इसलिए जाऊँ। तो अलहमदिल्ला रिपोर्ट निगेटिव आ गई है और ये मुझे उन्होंने एक बैज दे दिया है, इसको मुझे अपने क्वारंटीन होटल तक नहीं हटाना है। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेक माई बस। रेड कॉरिडोर बना हुआ है, यहाँ से आपको एंट्री करना है इस जगह। सो जस्ट इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया और मैं अंदर जा रहा हूँ। इंटीरियर के बाद ये सिक्योरिटी चेक आएगा आपका, ये अलाउड नहीं है वीडियो बनाना। ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है यहाँ डेस्क पे। गोइंग टू बोर्ड, वो वहाँ पे बस लगी हुई है, वहाँ हमें जाना है, वहाँ पे बस खड़ी हुई है। ये बस है हमारी, इसमें जाना है। और ये नीचे पूरा लगेज रखते हैं और ऊपर जो है इस तरह से सीटिंग का बना हुआ है। कुछ स्मूथली हो गया था, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी लाइक वेट को लेके, मेरा वीज़ा कार्ड चल नहीं रहा था, वीज़ा कार्ड वो एक्सेप्ट करते हैं, बाकी SKD में ही पैसे पे करने थे तो
हालांकि मैंने कोशिश किया किसी के थ्रू वीचैट से पे करने को, लेकिन वो भी नहीं बना। फिर उन्होंने बाद में थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ उनके पास युआन थे वो दे दिया, और जो बचे थे बाकी उन्होंने HKD मुझे वापस दे दी। जो टिकट मुझे एक्स्ट्रा लगे इसके लगे हैं वो 65 HKD, मतलब 58 युआन का टिकट था जो कि ब्लैक में मैंने लिया था किसी एजेंट से। और जो ओरिजिनल प्राइस है टिकट की, जैसा कि मैंने पहले बताया, वही प्राइस सेम पर लगेज आपको देनी पड़ेगी। तो ये बस अब अंडर वाटर टनल में जाने वाली है, जो कि इस ब्रिज की सबसे खास चीज़ है। आइलैंड पर ही इन्होंने अंडर वाटर टनल बना दिया है, मतलब क्या ही चीज़ है यार, सो कूल। तो पिछले आपको शायद क्लियर दिख नहीं रहा होगा, पिछले 5 मिनट से बस टनल के अंदर चल रही है, अभी पता ही नहीं कब तक कितनी देर चलेगी। ये जो सी लिंक है, ये जो ब्रिज है ना, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ब्रिज है, हांगकांग चुहाई मकाओ ब्रिज सी लिंक। तो ये जो ब्रिज का ये लेफ्ट वाला साइड जो आपको दिख रहा है, ये सब बिल्डिंग्स, वो मकाओ है, और इसके राइट साइड इधर जो आपको ये दिख रहा है, ये सब ये चुहाई है जहाँ मुझे अभी पहुँचना है। वो जो बस जा रही है ना, वो मकाओ के लिए जा रही है और हमारी बस चुहाई के लिए जा रही है। एंड माई लगेज, अपने लगेज की बारी का वेट कर रहा हूँ। यहाँ से सब वेट लगेज, नीचे पूरा लगेज और ऊपर कोने में बैठाया था, ये नीचे लगेज वो। यहाँ टर्मिनल में एंट्री करते ही आपको ये हेल्थ कोड और कस्टम कोड फिल करवाते हैं, अगर आपने पहले नहीं कर रखा है तो। तो यहाँ बाहर फिर से इस जगह पे कोविड टेस्ट करेंगे ये लोग। ये चुहाई बस स्टेशन है चाइना का। सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ी देर पहले ही मैं यहाँ चुहाई बस स्टेशन में पहुँच गया हूँ। 45 मिनट ही लगे हैं, और अभी अभी जस्ट मैंने अपना जो यहाँ का कोविड टेस्ट है वो डन किया है। अब आगे का प्रोसीड करते हैं, होटल जाना होगा क्वारंटीन। आपको ये हेल्थ चेकअप के लिए अपना फॉर्म वो लोग देते हैं, और इसको आपको फिल करना होता है, और पीछे बारकोड वगैरह भी दिया होता है, इसको भी स्कैन करके कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी होती है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कुछ भी क्यूरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। Port, and he helped me a lot. Thank you so much for your help, bro. होटल में पेमेंट कैश, इंटरनेशनल वीजा, मास्टर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं।